आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सोनभद्र जनपद की सीमा चार राज्यों से लगती है, जिसका लाभ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले उठा रहे हैं। आज जिले की एसओजी सर्विलांस और शाहगंज थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। अवैध गांजा तस्करी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह के चार सदस्यों को 4.5 क्विंटल गांजा दो ट्रक से बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बरामद गांजे की कीमत ट्रक सहित 1 करोड़ रुपये बताई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रक की बॉडी के अंदर तेल भरने का अलग टैंक बनाकर उसके अंदर 4 क्विंटल 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। इस गांजे की ट्रक सहित कीमत 1 करोड़ रुपये है। दोनों ट्रक वाले उड़ीसा राज्य के संभलपुर के सोनपुर से गांजा लेकर मिर्जापुर जा रहे थे, जिन्हें शाहगंज थाने के गेट के सामने चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। कार्रवाई पर पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। सोनभद्र में शाहगंज थाना क्षेत्र के राजगढ़ मार्ग पर बेलाव गांव के पास ट्रक के बॉडी में छिपा कर रखे गए 4 क्विंटल 50 किलो गांजा मुखबिर की सूचना पर एसओजी सर्विलांस और शाहगंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक गाड़ी को रोक कर जब चेक किया तो उसकी बॉडी के अंदर ये बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना शाहगंज पुलिस एसओजी की टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में 4 क्विंटल 50 किलो 4.5 क्विंटल गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। इसमें 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं जो अंतर प्रांतीय तस्कर हैं इस तरीके के मादक पदार्थों के। 2 जौनपुर के रहने वाले हैं, 1 पंजाब का रहने वाला है और 1 व्यक्ति इनमें से मिर्जापुर का रहने वाला है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लेके आए थे और इन लोगों को आगे जनपदों में जाना था, मिर्जापुर। इन लोगों ने बताया कि मिर्जापुर इन्हें जाना था। इस चीज़ का हम तस्दीक करेंगे आगे भी। बीच में हमारी पुलिस ने इनको चेकिंग के दौरान इनको पकड़ लिया है। पुलिस की टीम ने जब चेकिंग किया तो वाहन में अलग से इन लोगों ने एक डीजल का टैंक बना रखा है और उसी में गांजा भरा हुआ था। और इसके अलावा जो ट्रक है, ट्रक के फर्श को मॉडिफाई करके फर्श के नीचे एक और फर्श बना रखा है और उसके जो बीच में गैप है उसमें लोग गांजा रखते हैं। इस तरीके से ये लोग गांजे की सप्लाई उड़ीसा से पहले भी किए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि पहले भी ये लोग लाए हैं और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई इन लोगों ने दी। सर, ये जो पकड़े जा रहे हैं ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के हैं, तो क्या इनका ये सेफ कॉरिडोर है? देखिए, हरियाणा पंजाब के लोग शराब को लेके जाते हैं आपके बिहार और झारखंड में, जिनको बीच में रास्ता पड़ता है सोनभद्र का, हम लोग इनको पकड़ लेते हैं और उधर से बिहार से और उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह के लिए। तो भी बीच में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो हम लोग उन्हें उधर से जब आते हैं गांजा लेके, तब भी इसमें लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है कार्रवाई। लगातार अगर एक महीने की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा के माल बरामद हुए जी। तो ये भारी मात्रा में यहाँ तस्करी हो रही है। देखिए, जैसा आपने बताया कि पूर्व में भी लगभग 40,000 लीटर अंग्रेजी शराब हमने बरामद कर ली है और लगभग 20 क्विंटल के लगभग गांजा हमने बरामद कर लिया है। तो यहाँ से रूट इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और 36 लोगों पे हमने गैंगस्टर की कार्रवाई की है, 36 व्यक्तियों पे, और लगभग 2.5 करोड़ की उनकी संपत्ति भी सीज की है। 10 मुकदमे गैंगस्टर के इसमें दर्ज हुए। हाँ, पुलिस की टीम ने, सर्विलांस की और एसओजी की टीम ने स्पेशली अच्छा काम किया है। दोनों जो उसके इंचार्जेज हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो 25,000 का इनाम। इसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 45 से 50 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है गाड़ी की। हाँ, अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी और इसमें जो मिर्जापुर में किनको सप्लाई देना था और कहाँ से लेके आए उन लोगों को भी हम इसमें प्रकाश में लाएंगे। 25,000 रुपये का इनाम इसमें दिया गया। गैर प्रांत के जो बड़े कारोबारी हैं, क्या आप देखिए उन लोग जहाँ पर शराब का उत्पादन होता है, इसके अलावा जो बड़े शराब के डिपोट हैं उनके जो मालिक हैं, उन लोगों के बारे में पता चला है कि उनकी मिली भगत से ही ये शराब की तस्करी इधर यूपी से होते हुए और बिहार झारखंड में हो रही है। तो उन लोगों पे हम लगातार काम कर रहे हैं और इसमें जल्दी ही उन लोगों पे भी कार्रवाई किया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।